दोस्तों आज का क्वेरी आया है दिल्ली से अंकित का। इन्होंने न्यू पीसी खरीदा था, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से गलती से इन्होंने एमएस ऑफिस 2007 को अनइंस्टॉल कर दिया है। अब इनका मन नहीं है कि ये कंप्यूटर को उठा के नेहरू प्लेस जाएं, तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई भारती टेक सर्विसेज। लैपटॉप बनवाना हो या डेस्कटॉप, लैपटॉप को अपग्रेड करवाना हो जैसे SSD लगवाना, रैम बढ़वाना, क्या आपके सिस्टम के लिए बेस्ट है, क्या अभी आपको विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेड करना उचित होगा कि नहीं, आपके लैपटॉप के लिए कौन सा SSD बेटर होगा, साटा, NVMe या M2 NVMe, कैसे आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, सभी तरह के सॉफ्टवेयर का सपोर्ट आपको मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज भारती टेक सर्विसेज में अवेलेबल है, यहाँ तक कि वेबसाइट बनवाना हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर बिलिंग सॉफ्टवेयर हो, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो, वेब एप्लीकेशन हो एटसेट्रा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। तो आज ही लॉगिन करें www.bharatitechsvcs.in या व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं 8010581157 पे। नंबर एक बार और सुन लें, 8010581157 पे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूदीप और आपका स्वागत है आपके अपने टेक यूट्यूब चैनल टेक्नोपुराण में। एनीडेस्क से एक्सेस करते हैं इनके कंप्यूटर को और एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या सही में अनइंस्टॉल हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि अंकित को उतना नॉलेज नहीं है कंप्यूटर के बारे में। तो जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि ऑफिस फाइल नहीं खुल रहा है अचानक से। सो चलते हैं प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में एंड आप देख सकते हो सही में इन्होंने एमएस ऑफिस 2007 को अनइंस्टॉल कर दिया है। क्लोज करते हैं इसको एंड मैंने गूगल ड्राइव से एमएस ऑफिस 2007 को शेयर किया है, तो उसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं। और ये डाउनलोड हो गया स्टार्ट। डाउनलोड कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन ये .rar फाइल में है, तो हमको पहले winrar इंस्टॉल करना होगा। एनीडेस्क से हम कोई भी फाइल डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो ये हो गया कॉपी एंड इसको रिमोट कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देते हैं। सो आप देख सकते हो कॉपी पेस्ट हो गया स्टार्ट और ये हो गया डन। अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। चलते हैं डाउनलोड फोल्डर में और एमएस ऑफिस का जो फाइल था उस पर राइट क्लिक करते हैं और सेलेक्ट करते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर और ये हो गया एक्सट्रैक्ट। ओपन करते हैं फोल्डर को और इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट की देखे क्लिक कंटिन्यू। अब आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ दिस एग्रीमेंट को चेक मार्क करके क्लिक कंटिन्यू। अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें और जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट ना हो तब तक वेट करें। कभी कभी ये अटक भी जाता है तो भूल के भी कैंसिल ना करें, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ये हो गया इंस्टॉलेशन कंप्लीट। क्लिक क्लोज और कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट कर लें ताकि ऑफिस एप्लीकेशन सही तरीके से काम करे। रीस्टार्ट के बाद एक बार आपको एक्सेल फाइल ओपन करके दिखा देता हूं। सो आप देख सकते हो एक्सेल फाइल बड़े आराम से ओपन हो रहा है। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।